फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं साइकिला से यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर अगर पहली बार आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो इसमें कहा गया है, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले बार हम बताए थे लेक्चर में, पिछला लेक्चर में केंद्रक के बारे में, कि केंद्रक क्या है, माध्यिका क्या है, उसके बारे में लेक्चर बताए थे। आज हम बताएंगे समांतर चतुर्भुज कि अगर तीनों शीर्ष दिया रहता है तो चौथा शीर्ष कैसे निकालेंगे, चौथा शीर्ष कैसे निकालेंगे। आज का वीडियो में वही में उस फोकस किया जाएगा। और उससे संबंधित केसी सिन्हा के एक्सरसाइज से हम बुक से क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे कि किस तरह से आप चौथा शीर्ष निकाल सकते हैं। तो बस मेरे वीडियो को पूरा से शुरू से अंत तक देखते जाइए। इसमें कहा गया कि यदि बिंदु में x1y, x2y, x3y3 समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष हो तो चौथा शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत शीर्ष, एक बात यहां पर आया, क्रमागत शीर्ष, क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब क्रमागत मतलब लगातार। क्रमागत शीर्ष दिया हुआ है, अब देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, इसका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नियामक दिया हुआ तीन वक्र लगातार दिया हुआ है, इसका है x1y1, इसका है x2y2 और इसका है x3y3। तो चौथा का निकालना है इसका, कि ये क्या है चौथा का, चौथा शीर्ष हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि चौथा शीर्ष x4y4 है, माना गया है तीन को दिया रहता है, तीन को दिया रहता है और चौथा शीर्ष हमको ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे माना कि चौथा शीर्ष, माना कि चौथा शीर्ष, चौथा शीर्ष बराबर x4y4, ये चौथा शीर्ष मान लिया और इसी का मान ज्ञात करना है। चूंकि तीन शीर्ष लगातार दिया हुआ है, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, चौथा पूछेगा डी का नियामक पूछेगा। तो इसमें देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण खींचते हैं, अब विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता है उसके विकर्ण संधि विभाजित करते हैं, उसके विकर्ण संधि विभाजित करते हैं और परस्पर को बिंदु पर कट करते हैं, बिंदु पर कट करते हैं, दोनों विकर्ण एक बिंदु पर कट करते हैं, आप भी संधि विभाजित करते हैं, अर्थात इसका नियामक जो होगा कि बीडी का मध्य बिंदु ही हुआ। संधि विभाजित करना का मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर, OB बराबर OD और OA बराबर OC, OA बराबर OC, यानी कि इधर से नियामक निकालेंगे, AC से नियामक निकालेंगे, वो का तो AC का भी ये मध्य बिंदु है, और BD का अगर जो BD से निकालेंगे तो BD का भी ये मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु होता है, दोनों विकर्ण का जहाँ कटता है वो मध्य बिंदु पर होता है, अर्थात O जो है AC के भी मध्य बिंदु है, BD के भी मध्य बिंदु है। तो आइए हम चूंकि यहाँ पर लिखे हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में BD तथा AC विकर्ण, BD तथा AC विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रति छेद करते हैं, इसलिए इसलिए BD का मध्य बिंदु O
एसी का भी मध्य बिंदु ओ, दोनों का मध्य बिंदु ओ होगा, इसलिए ओ बीडी तथा एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बीडी तथा एसी का मध्य बिंदु है ना ओ। यहां से हम मध्य बिंदु का थ्योरम लगा करके, मध्य बिंदु प्रमेय लगा करके हम ओ का नियामक ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बीडी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ का नियामक कैसे लिखेंगे, बीडी का मध्य बिंदु ओ है तो मध्य बिंदु वाला नियम लगा देंगे। तो मध्य बिंदु नियम कहता है कि दोनों का पहले यक्ष नियामक ओ का योग, मतलब इसका यक्ष नियामक डी का यक्ष नियामक दोनों का योग, तो x2 प्लस x4 बटा 2 कोमा फिर दोनों के बाय नियामकों का योग, यानी कि दोनों का अंतिम वाला का जोड़, तो बाय 2 प्लस बाय 4 बटा 2, ये हो गया ओ का नियामक। पुनः हम पुनः लिख सकते हैं कि एसी का मध्य बिंदु ओ है, एसी का भी मध्य बिंदु ओ है, तो ओ का निकालेंगे इस तरह से, ये सी का मध्य बिंदु ओ है वही बिंदु, इधर से भी हम इसी का नियामक ज्ञात कर सकते हैं। तो ओ का नियामक हो जाएगा यहां पर एक्स नियामकों का योग, मतलब दोनों का फर्स्ट नियामक अर्थात शुरू वाला का जोड़, अर्थात x1 प्लस x3 बटे 2 कॉमा फिर दोनों के बाय नियामकों का योग, तो y1 प्लस y3 बटे 2, ये हो गया ओ का नियामक। अब ओ का नियामक चूंकि देख रहे हैं दो जगह है, यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब ओ का नियामक तो सेम ही होगा, एक ही होगा। तो यहां से हम ये दोनों को तुलना करने पर देखते हैं कि ये एक्स नियामक यहां का एक्स नियामक बराबर हो जाएगा, यहां का बाय नियामक ओ का और यहां का बाय नियामक बराबर हो जाएगा, तब ना होगा, दोनों तो सेम बिंदु है, दोनों को ही है, इधर से नियामक निकाले इधर से भी नियामक निकाले, ये संभव तभी है जब ये एक्स नियामक ये एक्स नियामक बराबर होगा, ये बाय नियामक इस बाय नियामक के बराबर होगा, तभी संभव है। तो आते हैं यहां से लिखे थे, इसलिए x2 प्लस x4 बटा 2 बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 और हो जाएगा इधर से y2 प्लस y4 बटा 2 बराबर y1 प्लस y3 बटा 2, ये हो गया। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया x2 प्लस x4 बराबर x1 प्लस x3। यहां से x4 का मान निकालना है, तो x4 का मान निकल रहा है x1 प्लस x3 और ये किधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x2, ये x4 निकल गया। इसी तरह से 2 से 2 कैंसिल, तो y2 प्लस y4 बराबर हो जाएगा y1 प्लस y3। यहां से y4 का मान निकालना है, इसको इधर सेट कर देंगे, तो y1 प्लस y3 ये साइड पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस y2। अतः हमारा d का नियामक जो था x4 y4 ये निकल गया है, मतलब कि d का नियामक हो गया x4, मतलब ये बात x1 प्लस x3 माइनस x2 कोमा y1 प्लस y3 माइनस y2।
ये हो गया डी का नियामक, डी का नियामक हो गया। इसको देखो लॉजिकल कैसे याद रखेंगे, लॉजिकल इसको पकड़िए, इसको रटना नहीं है, मैथ कहते रटने नहीं है, रटना है तो फिर मैथ क्या पढ़ रहा है वो भी हम पढ़ाएंगे, मैथ रटेगा तो फिर पढ़ाना मेरा बेकार है, सीधा का सीधा दिमाग में जाना चाहिए। यहाँ पर डी का नियामक हमको निकालना था तो क्या किए, देखिए जिसका नियामक निकालना था तीन नियामक क्रमागत दिया रहेगा, तो इसके अपोजिट में जो है, इसके सामने जो है उसको घटाएंगे इन दोनों के नियामक के योग में। देख लो एक्स वन प्लस एक्स थ्री, डी का जब फर्स्ट नियामक निकालेंगे अर्थात एक्स नियामक निकालेंगे इसका, तो इसका एक्स नियामक, इसका एक्स नियामक को जोड़ लेंगे और उसमें घटा देंगे इसका नियामक, बी का नियामक, इसका एक्स नियामक में इसका एक्स नियामक को जोड़ देंगे। देखो एक्स वन प्लस एक्स थ्री इसको घटा दिया गया एक्स टू को, इसी तरह से बाय नियामक भी निकालेंगे, इसका बाय नियामक निकालेंगे तो इसका बाय नियामक और इसका दाय नियामक को जोड़ देंगे और उसमें इसका बाय नियामक घटा देंगे, इतना ही काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हुआ डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट इससे निकल जाएगा सूत्र, और इस पर आधारित अगर हम क्वेश्चन एक लेते हैं तो देखिए हम क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, नियामक निकालना भाई। देखिए 29 का कह रहा है कि तीन शीर्ष दिया हुआ क्रमागत, यदि यदि 6.8 3.7 और -2.-2 एक समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज के तीन कर्मागत शीर्ष है तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें, चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए ये हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका 6.8 3.7 -2.-2 चौथा कोण मानते x.y, चौथा शीर्ष निकालना है, चौथा शीर्ष निकालना है। देखिए इस शीर्ष को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम सूत्र बताए थे कि चौथा शीर्ष जो होता है डी का नियामक जो होता है, डी का अगर एक्स नियामक हम लिखेंगे तो डायरेक्ट, अगर सूत्र पर पहले बता रहे जो सूत्र अभी लाए थे हम उस पर बता रहे हैं कि इसका एक्स नियामक लिखेंगे तो ई दोनों के एक्स नियामक का योग कर देंगे और उसमें इसका नियामक घटा देंगे, ये दोनों का यानी कि जिसका नियामक निकालना इसके सामने वाला का एक्स नियामक घटाते हैं, किसमें घटाते हैं इसका और इसका एक्स नियामक के जोड़ कर, ये दोनों के एक्स नियामक के योग में इसको घटा देते हैं तो 6+ ये दोनों को जोड़ देते हैं एक्स नियामक, -2 में घटा देंगे 3 निकल रहा, फिर इसी तरह से बाय नियामक ये दोनों जोड़ लेंगे 8+-2 इसमें घटा देंगे इसका नियामक, का नियामक निकल गया तो 6-2-3 8-2-7 तो डी का नियामक हो गया 6-2-3 5 फिर 8-2-7 9 तो डी का नियामक आ गया 1-1 डायरेक्ट सूत्र पर हो गया। या अगर हम एक्स वाई माने इस तरह से भी निकाल सकते थे इसका विकर्ण मान करके, ये विकर्ण दोनों ओवर कट करके
ये हुआ। अब सेकेंड मेथड बता रहे, सेकेंड मेथड क्या है? तो सेकेंड मेथड सुन लीजिए, दोनों विकर्ण का कटान बिंदु वो है, दोनों विकर्ण का कटान बिंदु वो है, और वो जो होता है दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु भी होता है, मतलब बीडी का भी मध्य बिंदु वो है और एसी का भी मध्य बिंदु वो है। तो मध्य बिंदु वाला थ्योरी लगा करके यहाँ से हम लोग का नियामक निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं चूंकि बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ का नियामक कैसे निकालेंगे? ओ का नियामक लिखेंगे तो बीडी, ये है बीडी, तो दोनों के यक्ष नियामकों का योग, दोनों के यक्ष नियामक, इसका नियामक यक्ष फिर इसका यक्ष नियामक, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस थ्री बटे टू फिर कॉमा दोनों के बाद वाले नियामक मतलब बाय नियामक सेवन प्लस वाई बटे टू, ये हो गया होगा। पुनः एसी का मध्य बिंदु ओ है, एसी का मध्य बिंदु ओ है, यहां से ओ का फिर से हम निकाल सकते हैं, यहां से भी एसी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला नियम लगाइए, तो दोनों का योग तो छह में जोड़ेंगे माइनस टू अब बटे दो कॉमा, फिर आठ में जोड़ेंगे माइनस दो माइनस दो अब बटे दो। देखिए दोनों तो ओ का ही नियामक है, यहाँ पर लिखेंगे बाय क्वेश्चन समझिए बात को, जो कह रहे हैं बात समझिए, दोनों सेम नियामक है, यहाँ भी कह रहा है कौन का नियामक है, यहाँ भी कह रहा है भी ओ का नियामक है, इस ये संभव तभी है जब इसका एक्स नियामक और यहाँ वाला एक्स नियामक दोनों क्या हो बराबर हो, दोनों क्या हो बराबर हो तभी संभव है, मतलब एक्स प्लस थ्री बटे टू बराबर छः प्लस माइनस टू बटे टू। यहाँ से देखिए कट गया, यहाँ से कट गया तो एक्स प्लस थ्री बराबर आ गया छः में से दो गया चार, यहाँ से एक्स बराबर आ गया चार माइनस तीन, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर माइनस वन, सॉरी एक्स बराबर वन हो गया। एक्स का मान देखिए ऐसे भी निकाल लेते हैं, पहले भी वन डायरेक्ट बाय सूत्र से, ये हुआ कंसेप्ट से, ये हुआ ज्ञान है जिसको कहते हैं ज्ञान, ये हुआ सूत्र से, भूल भी सकते हैं लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया परीक्षा बोर्ड में, तो बोर्ड में लगभग ऑब्जेक्टिव में इस हिसाब से रहता है, अगर बोर्ड में दे दिया तो ये वाला यूज कर लेंगे, समय बचाएगा वहाँ तो वहाँ पर इसे बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन कहीं दे दिया दो अंक में बनाने वाला में, अगर तीन नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ दिया तो ऐसे बना, इसलिए हम दोनों मेथड से बता देते हैं। तो ये हुआ इसका, फिर यहाँ पर हम बराबर करेंगे, इसका बाय नियामक इसके बाय नियामक के बराबर होगा, यहाँ से हो जाएगा सेवन प्लस बाई बटे टू बराबर आठ प्लस माइनस दो बटे टू, यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है नीचे नीचे सेम रहता है इक्वेशन में, तो बोला जाता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या कर दीजिए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, यहाँ से सेवन प्लस वाई बराबर एट प्लस माइनस माइनस टू, यहाँ से हो गया सेवन प्लस वाई बराबर सिक्स, तो वाई बराबर हो गया सिक्स माइनस सेवन, तो वाई बराबर हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस वन, ये निकला वाई का मान, अतः बी का नियामक देखिए x कोमा y माने थे तो निकल चुका है एक कोमा माइनस वन, एक कोमा माइनस वन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में। 1.3 का कैसे सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी कह रहा हुए जी बिंदुओं के तो P का मान ज्ञात करे, देखिए P का मान ज्ञात करे, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया ये क्वेश्चन, अगर कहीं वो ऑब्जेक्टिव को
क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 50% मैट्रिक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो एक सेकेंड में आंसर, एक सेकेंड में देखते साथ आंसर कैसे। ये समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज जिसका तीनों त्रिज्या हुआ ए है 6.1, 8.2, 9.4, P.3। हमको पी क्या करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड प्रथम विधि कैसे बनाएंगे। तो बताए थे कि अगर इसका नियामक निकालना है, पी का नियामक मतलब डी का एक्स नियामक, एक्स नियामक यहाँ पी है, तो पी का नियामक निकालना है, तो बोले थे कि इसके सामने वाला छोड़ो, इसका एक्स नियामक और इसका एक्स नियामक का दोनों का जोड़ ले लेना, क्या लेना जोड़ ले लेना मतलब योग कर देना। तो पी का नियामक हो जाएगा 6+9, माइनस हो जाएगा इसका एक्स नियामक, पी का मान निकल गया, तो 9 × 15 − 8 = 7, पी का मान 7 आ जाएगा, पी का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा। यही सेकेंड विधि से देखें, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या करता है, इसका विकर्ण मिला देते हैं और इसका भी विकर्ण मिला देते हैं, दोनों का विकर्ण जहां पर कट कर रहा है, जहां पर दोनों का विकर्ण कट कर रहा है, ये इसका भी मध्य बिंदु होता है, इसका भी मध्य बिंदु होता है। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ओ का नियामक क्या हो जाएगा, बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसका एक्स नियामक एवं इसका एक्स नियामक का योग, तो P+8/2, फिर इसका बाह्य नियामक, इसका बाह्य नियामक का योग 2+3/2, पुनः को AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो O का नियामक कैसे निकालेंगे, यहां देखिए इसका और इसका फर्स्ट नियामक का योग, तो 6+9/2, इसका और इसका बाद वाला का 2, यहां से देख रहे हैं कि इस ओ का ही ये भी नियामक है और ओ का ये भी नियामक है, तो दो नियामक संभव तभी है जब ये वाला ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ये तो ऑलरेडी बराबर है, 5/2, 5/2, यहाँ पर ये दोनों बराबर कर देना, वहां से पी का मान निकल जाएगा, इसलिए P+8/2 = 6+9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से P+8 = 6+9, P+8 = 6+9, तो यहाँ से हो गया P = 6+9 − 8, तो P का मान आ गया 15 − 8, तो P का मान आ गया 7, और यही ज्ञात करना था, P का मान निकालना था 7। ये हुआ बाय कंसेप्ट ज्ञान, और ये हुआ सूत्र पर ऑब्जेक्टिव के लिए। इस तरह से पढ़िए कि ज्ञान एकदम पूरा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आग रटने वाला पढ़िए, रटने वाला काम नहीं देता ऐसा नहीं, लेकिन ये तुमको हमेशा काम देगा, ठीक है। आज यहीं तक करने देते हैं, जय हिंद जय भारत।